अब हम आते हैं अपने रिजल्ट पे। इसमें रिजल्ट था ना, फिल्टर, ऑटो फिल्टर, ओके, या ठीक, चलिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, अब ये एक एग्जाम का रिजल्ट है, क्लियर। अब आलोक को अगर हम देखें, अगर आलोक का हम लोग रिजल्ट देखें तो इसमें क्या है, 82, 91 एंड 75, ठीक है। तो इस बच्चे का परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में खराब है, C++ में, बाकी दो में ठीक है। ऐसे ही हर बच्चे का परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, किसी में खराब हो सकता है, ठीक है। तो क्या जो बच्चे का परफॉर्मेंस जिस सब्जेक्ट में खराब है उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा सकती है ताकि उसमें भी उसका बेटर हो, नहीं, या फिर उसमें विशेष फोकस करके उसको बेटर कराया जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल मैनेजमेंट ऐसा कुछ रिपोर्ट आपसे चाह रही है कि अगर रिजल्ट आया है तो हमारे कौन से बच्चे का रिजल्ट बॉटम में, नीचे, कौन सा सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि उस बच्चे को, उस सब्जेक्ट के टीचर को बोला जाएगा कि इस बच्चे का आप परफॉर्मेंस ठीक कराइए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आलोक का C++ खराब है लेकिन अंकित का जावा खराब है, नहीं, समझ में आ रही है बात। तो अभी हमको ये चीज फोकस करना है और इस पे एक रिपोर्ट जनरेट करना है कि कौन सा बच्चा बॉटम में, ओके, ठीक है, टॉप में है, या फिर किस किस बच्चे का 90 से अबव मार्क्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कोई कंपटीशन हो रहा है, अब कंपटीशन हो रहा है किस चीज का हो रहा है भाई, सी लैंग्वेज का हो रहा है। अब सी लैंग्वेज में तो हम उस बच्चे को भेजेंगे ना जो सबसे बेस्ट होगा कि बॉटम वाले को भेज देंगे। मान लीजिए तीनों ही सब्जेक्ट के लिए हमारा कॉम्पिटिशन हो रहा है तो जो सी लैंग्वेज में बेटर होगा उसको सी के लिए भेजेंगे, जो C++ के लिए होगा C++ में भेजेंगे, और जो जावा में होगा उसको जावा में भेजेंगे। अगर ये काम आपको करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका मार्क्स सबसे ज्यादा है, आप उस बच्चे को सेलेक्ट करोगे C++ के लिए, करेक्ट। वैसे ही आप सी लैंग्वेज के लिए करोगे, वैसे आप जावा के लिए करोगे। तो अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो फिर आपको 100 बच्चों का मार्क्स एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा, नहीं, या फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि टॉप 3 निकाल दो कि इस सब्जेक्ट में टॉप 3 कौन कौन स्टूडेंट है जिसने सबसे अच्छा नंबर लाया है, नहीं, फिर परेशानी। चलिए तो दो टॉप प्रश्न लेके चलते हैं हम लोग, इस पे काम करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टॉप 3 कौन कौन है तीनों ही सब्जेक्ट के, क्लियर। तो अभी हमको क्या करना है, इसका टॉप 3 निकालना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेगा, ठीक है, हाईलाइट सेल रूल, सॉरी यहां पे टॉप बॉटम रूल, ठीक है ना, टॉप बॉटम, आप यहां से आ जाना मोर रूल्स में, क्लियर। अब आप यहां पे देखो क्या चाहिए आपको, टॉप 10 दे रहा है, आप यहां पे दो टॉप 3, क्लियर हो गया। और फॉर्मेट में हम आते हैं और इसके सेल में कलर फिल करा देते हैं कि ये भाई ये सिलेक्टेड होंगे, और हमने कहा ओके और ओके। तो अब देखिए 92 निखिल, प्रिया 88 और दीपक 85, क्लियर हो गया, टॉप 3 निकल गया, नहीं निकला, निकल गया। तो अगर ऐसे 50, 100, 500, 1000 स्टूडेंट होते हैं तो भी हम आसानी से टॉप 3 निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते, क्लियर हो गया।
जाओ ये मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा वहां। कोई इश्यू यहां तक? समझ में आ गई बात? अच्छा, ये था हमारा टॉप थ्री, ठीक है। अब अगर हम बोले सी लैंग्वेज के अंदर किस किस बच्चे ने 80 से 90 के बीच में नंबर लाया है या 80 से ऊपर नंबर लाया है, उसका रिपोर्ट हमको दीजिए। 80 से ऊपर यानी ग्रेटर देन 80 की बात हो रही है, आते हैं कंडीशनल में, और यहां से हम बोलते हैं ग्रेटर देन। बेटर होगा कि आप मोर रूल में जाइए। मोर रूल में जाने से क्या फायदा होगा कि आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम मोर रूल में जाते हैं और मोर रूल में जाके कहते हैं ग्रेटर देन है यहां पे। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, 80 को भी ले लेते हैं और 80 से ऊपर वाले को भी ले लेते हैं, हमने कहा 80, करेक्ट। और फॉर्मेट में जाते हैं और इसके सेल को हम फिल करा देते हैं ये वाले कलर से या ये वाले कलर से, ठीक है। कोई भी आप टेक्स्ट में भी दे सकते हो और सेल के फील में भी दे सकते हो, ठीक है। ये फील में हो गया और ये टेक्स्ट में हो गया और ये बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। हमने कहा ओके, अगेन ओके। तो ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 80 और 80 से अबव मार्क्स लाया है। क्लियर होगी कहानी, आ गया समझ में? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब आपको एक बार पूरा दिखाते हैं। देखिए, बिटवीन, बीच में, यहां से यहां तक के बीच, मैंने 80 से 90 का बीच अगर मार्क्स चाहिए तो आप बिटवीन यूज करोगे। नॉट बिटवीन, यहां से यहां तक के छोड़ के नीचे का और ऊपर का। नॉट बिटवीन का मतलब बीच का नहीं, जैसे नॉट बिटवीन का मतलब क्या हुआ, बीच का, 80 से 90 के बीच का, और नॉट बिटवीन का मतलब उसका उल्टा, 80 से 90 को छोड़ के बाकी नीचे वाला और ऊपर वाला। क्लियर, समझ में आ रहा है? उसके बाद इक्वल टू मतलब बराबर, नॉट इक्वल टू मतलब उसको छोड़ के बाकी सब, ठीक है। ग्रेटर देन बड़ा, लेस देन छोटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा और बराबर, लेस देन और इक्वल टू छोटा और बराबर। चेक कर लोगे आप लोग, हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये आप काम करोगे। उसके बाद हाँ बोलो, क्या हुआ बोलो पंकज, सैटरडे को, हाँ कौन सा क्वेश्चन बोले थे आपको? हाँ तो ये तो बता रहे, देखिए आप लोग अभी तो वही काम किया ना, 80 से ऊपर वाला, 80 से ऊपर का नहीं समझ में आया। ग्रेटर देन यहां पे आते हैं, हमने कहा ग्रेटर देन 80 कि 80 से ऊपर कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। अभी हम यहां पे इसका एक फील करा देते हैं कि 80 से ऊपर लाने वाले कौन कौन स्टूडेंट हैं। ये देखिए आ गया 80 से अब आ गया, यही काम आपको हम दिए थे उस दिन और बोले थे कितना टाइम लगेगा, ये जरा टाइम देखिएगा। अभी कितना टाइम लगा बताने में? बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ये क्लियर हुआ? जितना टाइम लगा हमको फार्मूला को लिखने में लगा या उसको सेटिंग करने में लगी, बाकी तो काम हो गया तुरंत। ये समझ में आ गया? क्लियर कहां से करेंगे ये पता है ना। अच्छा, अब ये देखिए कि अब हमको ऐसा रिपोर्ट जनरेट करना है कि ये पता चले कि कौन बच्चा डाउन में है, कौन बच्चा अप में है, कौन सा सब्जेक्ट में वो डाउन जा रहा है, किस में लेवल में जा रहा है और किस में अप में जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे हैं आइकन से, तो ये देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, अप लेवल डाउन, अप लेवल डाउन। ये देखिए इसमें चार है, ये अप बोल रहा है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये डाउन जा रहा है और ये डाउन है, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें भी बहुत सारे आइकन दे रहा है, अप है, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेवल में है, डाउन जा रहा है और ये डाउन है। क्लियर है?
तो इस तरह से रिपोर्ट अगर हम लोग जनरेट कर दें तो स्कूल मैनेजमेंट को काफी आसानी हो जाएगी। एक काम करते हैं, ये वाला नहीं लेते, दूसरा वाला लेते हैं, तीन ही लेते हैं। अब इससे स्कूल मैनेजमेंट को आसानी हो जाएगी कि रेड कलर यानी ये वाला विषय ज्योति वर्मा का, इस पे इसको फोकस कराना है क्योंकि ये डाउन है, 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 ये ऑटोमेटिक काम करेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे ये इसके बात करें 82, 75 और 91, अब इसका हाईएस्ट मार्क्स कितना है 91, तो जब आप इस सब्जेक्ट में 91 ला सकते हो तो इसमें और इसमें क्यों नहीं, इसका मतलब आप इसमें एवरेज हो और इसमें अप हो। ये तीन सब्जेक्ट को कंपेयर किया, इस आलोक का तीन सब्जेक्ट को कंपेयर किया गया, 91, 75 और 82, ठीक है। इसमें आते हैं 75, 68 और 90, 90 अप, 75 लेवल, लेकिन 68 बॉटम, आप नीचे की तरफ हो, काफी डिफरेंस हो गया ना, 90 और 68 नहीं हो गया। तो ऐसा रिपोर्ट हम लोग जनरेट करा सकते हैं और दे देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इस ज्योति वर्मा का जो C++ है उसके टीचर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इसको इस पे फोकस कराया जाए, करेक्ट, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप आइकन्स का यूज करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि कौन लेवल में है, कौन अप में है, कौन डाउन में है। नहीं, अगर सेल्समैन की बात करें तो उसका भी परफॉर्मेंस अप डाउन और लेवल वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, यह समझ में आया आपको। कलर के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो दे सकते हैं, देखिए ग्रीन, येलो, लाइट येलो, रेड शेड में ये आ रहा है क्योंकि ये बॉटम में, बॉटम की तरफ जा रहा है ज्यादा, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। इसमें हम फील करा रहे हैं, डेटाबेस में अगर हम लोग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं कि किस में ज्यादा है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्लियर कर दिया और इससे देते हैं तो ये देखिए, ये फुल है, ये हाफ है, ये एकदम कम है, ये बढ़िया है, उससे ज्यादा ये है, तो ऐसे भी हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कलर स्कीम और आइकन्स, टॉप बॉटम आपको समझ में आया नहीं, ठीक है। अच्छा, आइटम है और परसेंटेज है, परसेंटेज अलग निकालेंगे, आइटम अलग निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए परसेंटेज यूज करेंगे, जैसे ये मेरा परसेंटेज वाला है कॉलम, इसमें टॉप 3% या बॉटम 3% वो करा सकते हैं हम लोग। परसेंटेज के लिए परसेंटेज में जाएंगे, ये वाला यूज करेंगे, नंबर के लिए ये वाला यूज करेंगे, क्लियर है। अच्छा, मोर रूल में ये वाला यूज करेंगे, डेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कहां कहां आई है वो देख सकते हैं, एक जैसे नंबर कहां कहां है। जैसे अगर आप मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मोबाइल नंबर हर आदमी का अपना सिंगल होता है, डबल नहीं होता कभी भी। तो अगर आपसे गलती से दो, एक ही मोबाइल नंबर दो आदमी को आपने एंटर कर दिया है, तो आप ये चीज चेक कर सकते हो कि कहीं हमने डुप्लीकेट तो नहीं दे दिया, समझ में आया। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं कि डुप्लीकेट नंबर है कि नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं। हमने कहा ओके, तो देखो यहां पे 85 और 85 डुप्लीकेट है, तो ये काम आप करा सकते हो, मोबाइल नंबर चेक कर सकते हो, आधार नंबर चेक कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर चेक, ये सब सिंगल होता है, यूनिक होता है। तो अब बताइए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गया या अभी इसमें कोई दिक्कत होगी, और क्लियर करने के लिए आपको पता है। अच्छा, यहां से हम लोग कुछ न्यू रूल बना सकते हैं, नया रूल भी बना सकते हैं कि हमारे मतलब का कोई रूल बने। ये जो दे रहा है तो रेडीमेड है, बना बनाया ना पहले से, हो सकता है कि मेरा मतलब, मेरा जो प्रॉब्लम है वो बने बनाए से पूरा ना हो, तो फिर हमको नया बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम यहां से नया रूल भी बनाएंगे, तो हम लोग आगे जाएंगे तो नए रूल की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे, कुछ नए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
बहरहाल अब ये बताइए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये काम हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सेव कर देते हैं यहां तक। मेरे ख्याल से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया।